थोड़ा निकला रही है पर अपना ये इसमें वीडियो बना रहा था। महादेव 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 जय बोलो पार्वती मैया की। जय शंकर बोले। जटाभुजंग पिंगल स्फुर धनामणि प्रवाह दंभ कुंकुम ध्रव प्रलिप्त दिप्तधूमुखे मदंत सिंदूर स्फुर मकुत्तरीय मेदुरे मनो विनोद अद्भुतम विवर्तु भूतकर्तरी। भगवान शिव के पांच कैलाशों में से जो श्रीखंड महादेव की यात्रा है वो सबसे कठिन मानी जाती है। तो वो कठिन क्यों मानी जाती है तो आप इस वीडियो में देख ही सकते हो। तो ये है पार्वती बाग से ऊपर जो कि पूरा बर्फ से जमा हुआ है और ये ग्लेशियर को क्रॉस करने की लगभग 1 से 1.5 घंटे का टाइम लगता है। ये ट्रैक इतना रफ है कि अगर आप यहाँ से गिर के तो कुछ भी हो सकता है। बर्फ पूरी तरह से जम चुकी है और जो गिरने के चांस है वो 80-90% तक है। लेकिन भगवान शिव के भक्त जो है शिव का जयकारा करते हुए बिना किसी रुकावट के इस मार्ग पे आगे चल पड़ते हैं भगवान शिव के दर्शन के लिए। तो जब भी आप श्रीखंड महादेव की यात्रा के लिए आए तो कृपया इस रास्ते में बिल्कुल संभल के चलें। तो यार आप एक बार व्यू आप देख सकते हो और साथ ही में आप देख सकते हो कि रास्ता कितना खतरनाक है। तो अभी इस रास्ते को 1/2 घंटा हो गया तो अभी भी ये रास्ता ख़त्म ही नहीं हो रहा, अभी भी ये ऊपर पे और ऊपर दिख रहा है। भाई रास्ता तो गए चुके थे है ना, लाइस पूर्ण ना लगी शाला यार नेन थ्रू ऊपर से बहुत रास्ता इस बार है ऊपर है पार्वती बाग वो होना जाम ही होगा इधर से ऊपर से दिखेगा आजा। ये ताल तो नहीं कैट कैट हो गई ये सब वापसी हो गई। काफी लंबा ग्लेशियर ना खत्म होने वाला।